नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीआरओ को वैकेंसी के बारे में और उसका हम सिलेबस जानेंगे कि टेक्निकल में उसका सिलेबस क्या है और हम उसको विस्तृत तरीके से पढ़ाएंगे और उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और जो है कि किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से नहीं आ सकते हैं, वो हम सब देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बीआरओ सीमा सड़क संगठन जो भारत का सबसे अच्छा उपक्रम है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन में जो वैकेंसी आई है, लगभग मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक का 499 पद मैंने देखा है। तो उसमें आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में थियोरी में आपको दिया है ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन एंड जनरेटर सेट अब्लिक कंक्रीट मिक्सर। तो मिक्सर सबके घर में पाया जाता होता पाया जाता है, जो जिससे हम लोग मसाले पीसते हैं, ठीक, उसमें सारी चीज़ें डाल करके उसको चला देते हैं तो मिक्स हो जाता है, बारीक हो जाता है। तो यहाँ जो कंक्रीट जो हमारी सड़कें या फिर मकाने जो बनाई जाती हैं आरसीसी की, उसमें देखे होंगे आप लोग कि सीमेंट बालू और पानी को डाल करके मिक्स मिक्स जो इसको मिक्स किया जाता है हमको, तो हमको उसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। और दूसरी, ये ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन कहते हैं। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि स्थिर, ठीक है, स्थिर इंजन के बारे में हमको पढ़ना है, मूवेबल इंजन के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक। और जनरेटर सेट, जिस इंजनों में जनरेटर लगाए हुए होते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना। दूसरा पॉइंट है आपका चेकिंग ऑफ फॉल्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिक इंजन जनरेटर सेट और कंक्रीट मिक्सर। इन तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन, जनरेटर सेट, कंक्रीट मिक्सर, ठीक है। और इसमें जो कमियां होंगी उसको हम चेक करेंगे, क्या फॉल्ट है क्या नहीं फॉल्ट है, और उसको हम जो है कि रिपेयर करना सीखेंगे, मेंटेनेंस उसका हम करना सीखेंगे, ठीक है। चाहे वो इस तीनों का, इंजन का भी और जनरेटर सेट और कंक्रीट मिक्सर तीनों का। और हमारा तीसरा आता है सी, तो हमारा तीसरा आता है यूज ऑफ फ्यूल ऑयल ल्यूब्स एंड स्टैटिक इंजन, ठीक है। यानी कि इन इंजनों में जो फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में कौन कौन से फ्यूल यूज किए जाते हैं उसके बारे में हमको अध्ययन करना है, और कौन कौन से लुब्रिकेशन के लिए कौन कौन से ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है वो हमको पढ़ना है, और ऑयल इस इंजन में कौन सा ऑयल पड़ता है ये हमको पढ़ना है, और लुब्रिकेशन ऑयल के बारे में भी हमको पढ़ना है, ठीक। और चौथा आपका जो है डी पॉइंट, ये है जनरल नॉलेज जीके, ठीक है, जीके हमको पढ़ना है। तो जीके हमें आपको नहीं बताऊंगा, आप जो है कि जीके जो कि कहीं और से किताब से या फिर किसी माध्यम से जिसको आपको सुटेबल लगे उससे आप पढ़ते रहिएगा। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं टेक्निकली, जो भी डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक के पार्ट्स, वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको मैं बता देता हूं कि ये तो सिलेबस में दिया है कि मात्र हमको इतना इतना पढ़ना है, लेकिन अभी पिछली बार जब बीआरओ का एग्जाम हुआ था उसमें जो है इन सबसे सिलेबस से हट के भी क्वेश्चन आ गए थे। टायर से क्वेश्चन दे दिया था, टायर सेक्शन से क्वेश्चन दे दिया था आपका, डिफरेंशियल से क्वेश्चन दे दिया था और गियर बॉक्स से क्वेश्चन दे दिया था। तो हमको केवल इतना ही नहीं पढ़ना है, अगर हम कहीं जा किसी बॉर्डर पे हम लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो हमको जो हमारी क्षमता है, जो हमारी कैपेसिटी है, उसके अनुसार हम जो है अधिक से अधिक जो है कि इस्टीमेट तैयार करेंगे और वहाँ ले चलेंगे, ठीक है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमको केवल इतना ही नहीं पढ़ना है, हमको इंजन के बारे में पूरा तो पढ़ना ही है। इसके अलावा जैसे टायर हो गया, टायर के बारे में हमको पढ़ना है, और आपका डिफरेंशियल के बारे में हमको पढ़ना है, ट्रांसमिशन के बारे में हमको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ के जाना है।
लेकिन सबसे पहले मैं ये जो है कि जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं मैं आपको बताऊंगा। और जो हमारा ये तो थियरी था, अब थियरी के बाद आता है आपका प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में कैसे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, बता रहा हूं। तो हमारा प्रैक्टिकल में जो नंबर पहला आता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्टैटिक इंजन, यानी कि इंजन में इंजन के सभी पार्टों का हमको क्या करना, अध्ययन करना है, उसकी पहचान करनी है। कि ये प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल हमको दिया जाएगा उसमें बता रहा हूँ कि आइडेंटिफिकेशन हमको पहचानना है कि ये इंजन का कौन सा पार्ट है कौन सा पार्ट नहीं है। हो सकता है कि एग्जाम पास करने के बाद आपको जब प्रैक्टिकल दिया जाए तो जो भी सेंटर बनाया जाएगा वहाँ पर इंजन खोल करके रख दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा कि पहचानने के लिए आप पहचान करके बताइए कि इंजन का एक कौन सा पार्ट है, कहाँ फिट होता है, कैसे फिट होता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि 40% यानी प्रैक्टिकल में आपको 40% कम मिनिमम मार्क आपके रहने चाहिए, तभी जो है आपका आप क्वालिफाई कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर 40% से कम नंबर आएगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल, ठीक है, और ल्यूब, कौन से ऑयल जो है कि हमको इंजन में डाला जाएगा कौन सा नहीं डाला जाएगा उसके हमको पहचानना है और बताना रहता है, और कौन सा लुब्रिकेशन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं ये सब हमको पहचानना पड़ेगा। और जो प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल करते समय हमको किन किन टूल्स का उपयोग करना है, किस किस टूल्स का उपयोग नहीं करना है, कौन सा टूल लगेगा कौन सा टूल्स नहीं लगेगा, कितने प्रकार के इक्विपमेंट लगेंगे, ये सारी चीज़ें हमको जाननी जरूरी है। ये आपके प्रैक्टिकल में आना तय है और आएगा ही। ये हो गया आपका दूसरा, तीसरा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स, टूल्स पब्लिक इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो ये तो आपका सिलेबस रहा, लेकिन मैं आपको सिलेबस के अलावा भी बताऊंगा, उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है और अपने से भी पढ़ते रहना है। और मैं बताऊं कि पढ़ाई जो है कि ये टिकटॉक का वीडियो नहीं है कि जो है कि इसको तुरंत खिसका दीजिए स्लाइड कर दीजिए, इसमें जो है कि आपका बेनिफिट है, ठीक से पढ़ेंगे तो एग्जाम पास करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। दोस्तों हमारा जो सबसे मोटिव है, हमारा जो सबसे मेन उद्देश्य है, हमको गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए जो अस्थाई हो, ठीक है। तो अभी जो वैकेंसी आई है बीआरओ और डीआरडीओ में, इसकी तैयारी हम करेंगे और इसकी तैयारी हम मतलब एकदम मार्मिंग ढंग से करेंगे, एकदम जमीनी स्तर से करेंगे, ठीक। तो हमारा पहले यही टारगेट है बीआरओ और डीआरडीओ, ठीक है। हमको सरकारी नौकरी किसी भी तरीके से और कितना भी मेहनत करना पड़े हमको चाहिए। तो दोस्तों पिस्टन, पिस्टन इंजन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि यह सिलेंडर के अंदर ऊपर से नीचे यानी कि TDC से BDC को चलता है, और इसके चलने से ही इंजन की जो चारों क्रियाएं हैं सक्शन कंप्रेशन पावर और एग्जास्ट जो है कि पूर्ण होता है, और जब इसके पूर्ण होने से जो है कि आगे की जो कार्य है वो पूर्ण होता है और कंप्लीट होता है। और पिस्टन की निम्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं जो हम बारी बारी अभी करके देखेंगे कि पिस्टन कैसा होता है। मैं आपको इसका पिस्टन का लाइव डेमो भी अभी आपको दिखाऊंगा, पिस्टन ला करके कि पिस्टन में कैसा कैसा क्या गुण होने चाहिए क्या और क्या नहीं होने चाहिए, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, स्किप न करें। तो दोस्तों आप समझ गए पिस्टन क्या होता है। पिस्टन इंजन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, यह इंजन के अंदर सिलेंडर में लगा होता है जो TDC ऊपर से BDC नीचे चलकर चारों स्ट्रोकों सक्शन कंप्रेशन पावर और
एग्जास्ट पूरा करता है, जिससे इंजन का एक चक्र पूरा होता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पिस्टन के बारे में आप जान गए। अब पिस्टन का कार्य जो होता है वो क्या होता है, इसको टेक्निकली भाषा में आप कैसे बोलेंगे कि पिस्टन करता क्या है। अब तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता है तो आप जान गए, लेकिन ये टेक्निकली भाषा में आप कैसे बोलेंगे कि इसका जो मुख्य कार्य है वो टेक्निकली भाषा में हम इसको कहेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पिस्टन का मुख्य जो कार्य होता है वो है जो है, पिस्टन का मुख्य कार्य प्रत्यागमनी, प्रत्यागमनी ये हिंदी है, बहुत टेढ़ा शब्द है, प्रत्यागमनी गति, यानी कि इसको अंग्रेजी में रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को घूर्णन गति, घूर्णन गति यानी कि रोटरी मोशन में परिवर्तित करता है। बस ये इसका इतना ही काम रहता है कि इसका जो मेन कार्य है, आप टेक्निकल में कैसे बताएंगे ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन तो सबको याद हो जाता है, आसान भी है बोलने में, लेकिन ये जो शब्द है इसका हिंदी प्रत्यागमनी, प्रत्यागमनी गति से आप क्या समझते हैं, तो आप ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन फट दे दिमाग में आपके आ जाएगा, तो इतना ध्यान रहे। यानी कि ऐसा कार्य है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में परिवर्तित करता है पिस्टन। तो जब रोटरी मोशन में परिवर्तित करता है तो क्रैंकशाफ्ट हमारा घूमने लगता है, जिसे आगे कार्य होता है। अब हम बात आती है कि पिस्टन जो है किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका बनावट कैसी होनी चाहिए, उसकी विशेषताएं, उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए पिस्टन की, तो हम इस विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। चलिए विशेषताएं बताते हैं। देखिए मैं आपको पिस्टन दिखा रहा हूँ, पिस्टन कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको पिस्टन दिखा ही देता हूँ कि पिस्टन, और इसके बारे में मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन है, और ये पिस्टन का मैं बारी से एक एक पता पॉइंट आपको बता रहा हूँ। जो ये पिस्टन का जो ऊपरी सरफेस है, ये वाला ऊपर वाला है, ये वाला जो ऊपरी फेस है इसको पिस्टन हेड कहा जाता है, ये पिस्टन हेड कहा जाता है। और आपको इस चित्र में नज़र आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कि ये जो स्लॉट कटे हुए हैं यहाँ पर, इसमें दो ऊपर जो है दो स्लॉट कटे हुए हैं यहाँ, ये कंप्रेशन रिंग है दो ठो, ये कंप्रेशन रिंग दो ठो लगाई गई है। इसको अगर हम आपको निकाल के दिखाते हैं तो अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। ये आपका कंप्रेशन रिंग है, इसके दो दो हर पिस्टन में लगभग दो ठो जो है कि कंप्रेशन रिंग लगती है, इसलिए कंप्रेशन रिंग दो ठो लगती है। जो इसका ये इंड सिरा है, ये जो यहाँ आपको ग्रुप ये कटा हुआ है, ये सिरा दो ठो, तो एक इसके तरफ एक दोनों का जो मुंह है एक दूसरे का अपोजिट रहेगा, जिससे कि जो हमारी इस पिस्टन के ऊपर जो गैसें हैं वो जो है नीचे जो है कि ना आ सके, कंप्रेशन चैम्बर के नीचे ना जाए। ठीक है, उसको रुकावट के लिए ये कंप्रेसर रिंग दो ठो लगाई जाती है, ये दो ठो गया। और उसके नीचे आपको है ये ऑयल रिंग के लिए। और देखिए आप इस नीचे भी इस गजन पिन जो इसमें जो लगती है, यहाँ जो कनेक्टिंग रॉड से गजन पिन से जोड़ा जाता है पिस्टन को, उसके नीचे भी जो है कि ऑयल रिंग दिया हुआ है लगाने का। तो ये पिस्टन के बनावट के ऊपर निर्भर करता है और इंजन के बनावट के ऊपर निर्भर करता है कि पिस्टन ये किस इंजन में किस तरह का पिस्टन लगाया जाएगा। ठीक, और ये जो ऑयल रिंग के नीचे जो ये वाला सरफेस है इसको स्कर्ट कहते हैं, पिस्टन स्कर्ट, ये
और ये जो होल है यहाँ गजन पिन लगती है, और गजन पिन पिन जो है कुछ इस तरह की होती है। गजन पिन सॉलिड भी हो सकती है और होलो भी हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक। और पिस्टन का जो अंदर का जो पोर्शन देखिए पूरा ये होलो है, ये ओखली के तरह है, ओखल ये पूरा इसमें ये यानी कि भरतू नहीं है, जिसको आप भरतू बोले भरतू नहीं है, ये खोखली है, अंदर से खोखला है। तो आपको इस डेमो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि पिस्टन क्या होता है। और मैं आप बता दूं, जैसे इंजन में अगर पिस्टन चल रहा है तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जब ऊष्मा इतनी अधिक उत्पन्न होती है कि यह जो पिस्टन है, यह जो पिस्टन है यह फैल सकता है। तो इसके लिए पिस्टन में क्या किया जाता है कि यह जो स्कर्ट है पिस्टन का, इसमें जो है स्लॉट काट दिए जाते हैं, जो कि पिस्टन जो है कि क्या करे, फैले ना, पिस्टन में अधिक फैलाव ना हो, इसलिए इसमें स्कर्ट काट दिए जाते हैं। और स्कर्ट वो कई तरह से स्कर्ट काट जाते हैं, जैसे टी स्लॉट हो गया, ऐसे टी साइज का स्लॉट काट दिए जाएंगे, और आपका आई का टाइप का आप जो है कि एक सीधी जैसे लाइन काट दी जाएगी, और जो हम लोग हिंदी में कामा देते हैं उस तरह का भी जो है कि ये कंप्रेशन ऑयल रिंग से नीचे जो है ऐसे यहाँ काट दिया जाता है, जिससे हमारा पिस्टन जो क्या करे, फैले ना। अब बात आती है कि पिस्टन जो है कि किस मटेरियल का बना होता है। तो मैं आपको बताऊं कि पिस्टन मुख्यतः तीन प्रकार से मटेरियलों के बनाए जाते हैं। एक तो हो गया कास्ट आयरन का भी पिस्टन बना, ठीक है। तो पिस्टन का जो मटेरियल होता है इसमें तीन तरह के से पिस्टन बनाए जाते हैं आपको। कास्ट आयरन, जिसको हिंदी में ढलवा लोहा कहते हैं, दूसरा कास्ट स्टील, जो ढलवा इस्पात, इसका हिंदी नाम हो गया, और तीसरा है एल्युमिनियम एलॉय, ठीक है। तो एल्युमिनियम एलॉय सबसे अच्छी क्वालिटी का अगर माना जाए तो ये एल्युमिनियम एलॉय ही होता है, और इसकी विशेषताएं इन दोनों से सबसे अच्छी होती है, इसलिए सभी इंजनों में वह एल्युमिनियम एलॉय का ही पिस्टन का प्रयोग किया जाता है। और ढलवा लोहा और ढलवा इस्पात का क्या होता है कि ये जब इंजन में चलते हैं तो ये ज़्यादा क्या होते हैं, ये फैलते नहीं हैं, ये जब इंजन में गर्मी से ये दोनों जो है कि ज़्यादा फैलाव नहीं होता इनका। तो इंजन का जो हमारा सिलेंडर में जो लाइनर पड़ता है और लाइनर के अंदर जो पिस्टन ऊपर नीचे चलता है, तो इन दोनों में ये जो है, इन दोनों जो गैप की दूरी है, जो गैप होता है जो लाइनर और पिस्टन के बीच का जो ये गैप होता है वह कम रखा जाता है, किसका, ये कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का जो पिस्टन बने होते हैं, क्योंकि ये अधिक फैलते नहीं हैं। लेकिन एल्युमिनियम एलॉय का जो पिस्टन होता है यह जो है कि अधिक फैलता है, इसलिए हमारे जो पिस्टन और सिलेंडर लाइनर की जो बीच की जो गैप है वो अधिक रखा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए कि एल्युमिनियम एलॉय का जो पिस्टन है ये सिलेंडर लाइनर में यानी कि सिलेंडर में अधिक क्लियरेंस रखा जाता है, लेकिन ये कास्ट स्टील और कास्ट आयरन का जो पिस्टन होता है इसमें सिलेंडर और पिस्टन के बीच की जो दूरी होती है वो कम रखी जाती है, क्योंकि ये कम फैलता है और ये अधिक फैलता है। एल्युमिनियम एलॉय पिस्टन का जो कंपोजिशन है मैं आपको बताऊंगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है कि ज़रूर आता है और ज़रूर हो सकता आ ही जाए, क्योंकि पिछली बार पूछा था। तो मैं आपको बताऊं कि एल्युमिनियम एलॉय का जो पिस्टन बनता है तो उसमें एल्युमिनियम की जो मात्रा रहती है वो 91% रहती है, ठीक है।
और उसके बाद टीन, जो इसमें टीन की मात्रा पड़ती है वह आपका 2%, 2% हो गया। और कापर, कापर का जो मात्रा होता है इसमें कितना बच गया, ये आपका 91, 2 हो गया 93, 93 तब ये 50 7, यानी कि ये 7% यह इस पिस्टन में रहता है। तो एल्युमिनियम एलॉय का जहाँ पिस्टन बनता है वहाँ पर तीन प्रकार का, यानी कि एल्युमिनियम 91% हो गया, 2% टीन हो गया और 7% कापर हो गया। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं कुछ अपने बारे में कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है और नहीं मिल पाया, मैं काफ़ी जो है कि लेट हो गया, लगभग 10-15 दिन के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे मैकेनिकल जॉब ही ऐसा है मेरा कि वहाँ से छुट्टी नहीं मिल पाती है। मैं अभी NCL में जॉब कर रहा हूँ, लगभग 10 साल हो गया, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि जल्दी से जल्दी जो सिलेबस मैं ख़त्म करूँ और अच्छे से अच्छे तरीक़े से मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। और इसी के साथ मैं यह आज का क्लास समाप्त करता हूँ, और आपको जो समझ में नहीं आया वो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।